भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। देखिए, पवन सिंह पहले ही दिन चुनाव प्रचार को जब सड़क पे आते हैं तो उनपे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पांच पांच थाने में FIR दर्ज हो गया है। और अब इससे यह कहा जा रहा है कि पवन सिंह की मुश्किलें आगे बढ़ सकती है। क्या मामला है, क्यों FIR दर्ज हुआ, कौन कौन सा वो थाना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। लेकिन पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, काराकट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और मंगलवार को चुनाव प्रचार का पहला दिन था उनका। पहले विंध्याचल भी जाते हैं, देव मंदिर में जाते हैं, वहां से आशीर्वाद लेते हैं, फिर अपने माँ के पास जाते हैं, माँ से आशीर्वाद लेते हैं, कैसे पवन सिंह भावुक हो जाते हैं वो सारा वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं या आपने देखा भी होगा। उसके बाद पवन सिंह रोड शो करने निकलते हैं। पवन सिंह रोड शो करने जब निकलते हैं तो भीड़ इतनी ज्यादा जो है आ जाती है कि इसका अंदाजा लोगों को नहीं था। कई जगह तो भीड़ बेकाबू हो जाती है, कई जगह पवन सिंह खुद गाड़ी में से निकल के लोगों के बीच में जाते हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो पवन सिंह का रोड शो जो है उनके गानों की तरह सुपर हिट होता है। लेकिन पवन सिंह की मुश्किलें यहीं पे जो है वो खड़ी हो जाती है और पवन सिंह पे एक नहीं बल्कि पांच पांच थानों में FIR दर्ज होता है। कौन कौन सा वो थाना है, तो रोहतास जिले का ही पहला थाना जो है काराकट है, जो उस लोकसभा क्षेत्र का भी नाम है। काराकट में जो है एक FIR दर्ज हुआ। उसके बाद आगे निकले तो वहां विक्रमगंज में एक FIR पवन सिंह पे दर्ज होता है। उसके बाद जो है संझोली में एक FIR दर्ज होता है, राजपुर में एक FIR दर्ज होता है। उसके बाद अकोढ़ी गोला में एक FIR पवन सिंह पे दर्ज होता है। अब क्यों FIR दर्ज हुआ है, देखिए आचार संहिता लागू है, सबको पता है, और चुनाव में जो है कई तरह के परमिशंस लेने पड़ते हैं तब जाके आप चुनाव प्रचार जो है वो कर पाते हैं। ऐसे में पवन सिंह भी पहले परमिशन लिए थे, ऐसा नहीं है कि बिना परमिशन के पवन सिंह रैली कर रहे थे या रोड शो कर रहे थे। लेकिन जो उन्होंने परमिशन लिया था उसमें मात्र पांच गाड़ी का ही जो है परमिशन था इनको, लेकिन इनके पीछे जो है 100, 150, 200 तक गाड़ी जो है दिखाई देती है। और यही वजह है कि पवन सिंह पे जो है वो FIR दर्ज किया गया है। अब देखिए, इसकी पुष्टि जो है वो विक्रमगंज के SDM ने जो है किया है और ये खबर जो है वो अभी दैनिक भास्कर पे भी जो है चल चुका है, इसलिए हम भी ये खबर कर रहे हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो पुष्टि इस खबर की हो चुकी है और ये खबर जो है वो सही है कि पवन सिंह पे के ऊपर जो है पांच पांच थानों पे FIR दर्ज हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि पांच गाड़ी का परमिशन था और पीछे 100-150 गाड़ी जो है पवन सिंह के पीछे दिख रही थी। हालांकि अब जो है आगे कैसे पवन सिंह मैनेज करेंगे, क्योंकि वो एक सुपरस्टार है और जाहिर सी बात है कि पवन सिंह कहीं भी जाएंगे तो जो भी उनको परमिशन मिला हुआ रहेगा उससे अधिक गाड़ी देखने को मिलेगा, उससे अधिक भीड़ देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये सब कुछ हैंडल करना पवन सिंह के लिए कहीं ना कहीं बड़ी जो है बात होगी और पवन सिंह के लिए जो है मशक्कत करना पड़ सकता है। आज भी रोड शो के दौरान जो है पवन सिंह निकले और ठीक उसी तरह से जनसैलाब जो है देखने को मिला, लोग जो है जबरदस्ती गाड़ी पे चढ़ जा रहे हैं। देखिए कैसे युवक जो है वो पवन सिंह के पास पहुंचता है, पवन सिंह से मिलना चाहता है। तो ये कोई पहली तस्वीर या आखिरी तस्वीर नहीं है, इस तरह के बहुत सारे तस्वीर जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रशासनिक जो नियम कानून है उसको कैसे जो है पवन सिंह जो देख पाएंगे, कैसे उससे निपट पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है पवन सिंह को लेके ये अपडेट है कि पांच थानों में पवन सिंह पे FIR हो गया है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कह सकते हैं, गाड़ी का परमिशन नहीं था और गाड़ी जो है जितना परमिशन था उससे कई गुना ज़्यादा गाड़ी लेके पवन सिंह का रोड शो जो है हो रहा था, इसलिए इन पे FIR ये दर्ज किया गया है। ये रोहतास जिले का ही दो अनुमंडल का ये थाना है, पहला काराकाट, विक्रमगंज, संझौली, राजपुर और अकोढ़ी गोला। तो ये थानों में पवन सिंह पे FIR हुआ है। बाकी इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करेंगे, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपको क्या कुछ लगता है, पवन सिंह चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्या कुछ होगा, कितना वोट लाएंगे, क्या वहां का समीकरण है, वो सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।